न्यूज लाइव राजस्थान पर इस वक्त की खास खबर आप देख रहे हैं राजधानी जयपुर से। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री लगभग हर रोज रिव्यू बैठकें कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई लोग चोरी छुपे नियम तोड़ रहे हैं और संक्रमण को दावत दे रहे हैं। शहर में कई जगहों पर नाकाबंदी होने के बाद भी वाहन चालकों की आवाजाही बेवजह जारी है। शहर में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। शरबत की दुकान खोल ली, भीड़ लग गई। कोतवाली थाना इलाके में स्थित एक दुकानदार ने लॉकडाउन और गैर अनुमत होने के बाद भी चोरी छुपे शरबत की दुकान क्या खोल ली, लोगों की भीड़ लग गई। पास ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस दौड़ पड़ी, देखा तो पाया कि दुकानदार ने भी मास्क नहीं पहना था और भीड़ में कई लोग बिना मास्क के ही थे। बाद में दुकानदार समेत भीड़ में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार को सांगानेर सदर क्षेत्र में एक स्विमिंग पूल मालिक ने स्विमिंग पूल खोल दिया था और वहां भारी भीड़ हो गई थी। शनिवार और रविवार को पुलिस ने शहर में दुकान खोलने वालों के खिलाफ 3 दर्जन से भी ज्यादा कार्रवाई की। नाकाबंदी फिर भी नियम तोड़ रहे चालक, कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश भर में सबसे सख्त नाकाबंदी जयपुर शहर में की जा रही है। शहर भर में सवेरे से रात तक 378 स्थानों पर यातायात पुलिस, थानों की पुलिस और होमगार्ड्स की मदद से नाकाबंदी की जा रही है। शहर में सवेरे से शाम तक 80 स्थानों पर, शाम को 207 स्थानों पर और पूरी रात 90 जगहों पर नाकाबंदी की जा रही है। नाकाबंदी के दौरान वाहन चालकों से पूछताछ की जा रही है। बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों के वाहन जब्त होने के साथ ही उनके खिलाफ एक्शन भी लिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान, जयपुर।